नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, इसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने आपको दिख रही है कॉस्ट अकाउंट की बुक स्वाति प्रकाशन से, और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट चैप्टर चल रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्वेश्चन नंबर 41 चलेगा, जहाँ पे आप अनसर्टिफाइड निकालने का सेकेंड तरीका सीखेंगे। पहला वाला आप तरीका सीख चुके हैं 39 क्वेश्चन में और 40 क्वेश्चन में। अब सीखेंगे आप, जब हमें दे रखा हो पूर्ण कार्य की मात्रा, प्रमाणित कार्य का मूल्य ज्ञात होने पर अप्रमाणित कार्य की लागत, यानी कि कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड निकालना है। जब हमारे पास सर्टिफाइड दे रखा हो, वर्क सर्टिफाइड, और कितना काम कंप्लीट कर लिया उसके बारे में हमें क्वांटिटी दे रखी हो, यानी कि बता रखा हो 1/2, 1/3, 1/4, ऐसा कुछ ना कुछ दे रखा होगा। तो क्वेश्चन को हम यहाँ से पढ़वाएंगे, और इसके लिए बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 21 एग्जाम्पल जरूर करना है आपको। 21वें एग्जाम्पल के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, आप इसको लिख लेना, मैं भी आपको लिख लिख के यहीं से दिखाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से याद हो जाए। दो फॉर्मूले हैं जो काम आएंगे, ये एग्जाम्पल है, ये सॉल्यूशन है। शायद इतनी ऊँचे से समझ में ना आ रहा हो, लेकिन आप अपनी बुक में देख लेना 21वें एग्जाम्पल, और ये सॉल्यूशन है। दो सॉल्यूशन है इसके वर्क नोट के, आप फर्स्ट वाला ट्राई करना, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। ओके जी, अब क्वेश्चन में चलते हैं। तो आ चुके हैं अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। तो स्टैंड नीचे करते हैं, पढ़वाते हैं आपको और समझाते हैं, फिर क्वेश्चन कराएंगे। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा आराम से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन पढ़वाता हूँ क्या लिखा है इसमें। अ कॉन्ट्रैक्टर मेक्स अप हिज अकाउंट ऑन 31st December ईच ईयर। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 51 वॉज कमेंस्ड ऑन 1st April को स्टार्ट हुआ, दिसंबर में अकाउंट क्लोजिंग हुआ, मतलब 9 महीने का समय मिला है। द कॉस्टिंग रिकॉर्ड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एट 31 दिसंबर 2018 के लिए। मटेरियल इशू है, लेबर है, अदर चार्जेस डेबिट में आने वाले खर्चे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस डेबिट में आएगा, मटेरियल इन हैंड बचा हुआ है, बाय में आएगा क्रेडिट में। फिर यहाँ से पढ़ते हैं। अ मशीन कॉस्टिंग 36,000 हैड बीन ऑन द साइट फॉर 6 मंथ, यानी कि हमारी जो मशीन थी कितने महीने के लिए साइट पर आई थी, 6 महीने के लिए। इट्स वर्किंग लाइफ इट्स इज एस्टिमेटेड एज 6 ईयर, एंड इट्स फाइनल स्क्रैप वैल्यू 6,000 है। 36,000 की थी, 6 साल की इसकी वो है लाइफ, वर्किंग लाइफ जो है, उसके बाद 6,000 कबाड़ बचेगा। सुपरवाइजर हु इज़ पेड 21,600 per month हैज़ बीन स्पेंट हैज़ स्पेंट 1/2 ऑफ हिज टाइम एट द कॉन्ट्रैक्ट। कहने मतलब पूरे साल की तीन की सैलरी जो बनती है सुपरवाइजर की 2,100 है, लेकिन काम तो हुआ है 9 महीने का, क्योंकि अप्रैल में स्टार्ट हुआ, दिसंबर में अकाउंट क्लोज होता है, 9 महीने के हिसाब से आधा टाइम वो स्पेंड करता है। तो थोड़ा इसको ध्यान से देखना और करना, जब मैं कराऊँगा तो ध्यान से देखना वीडियो को। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज कितना है, 4,00,000, एंड ऑन 31st December 2018 2/3 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वॉज कम्प्लीटेड, इस कॉन्ट्रैक्ट का 2/3 कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है। आर्किटेक्ट ने सर्टिफाइड किया कि वर्क सर्टिफाइड कितना है, 2,00,000 है, और कैश रिसीव हुआ 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के दिखाना है, तो करते हैं इस क्वेश्चन कम्प्लीट। बाकी कुछ हमें आंसर हिंट में दे रखे हैं, इसने ये तो बाकी अब देख लो, उसे क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, लाइन खींचता हूँ, फिर मिलता हूँ उसे। आप फोटो खींच लो, उसकी स्क्रीनशॉट ले लो। तो लाइन हमने खींच ली है, क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में था मटेरियल इशू, और ये स्टार्ट हुआ था कब, कॉन्ट्रैक्ट 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल 2018। ये पुरानी बुक है, थोड़ा सा देख लेना, ईयर वगैरह का चेंजेस हो सकता है। तो यहाँ पे लिखें टू मटेरियल इशू, इशू चमक रहा होगा इसमें, हाँ 42,000 का मटेरियल इशू है। फिर है हमारे पास लेबर, लेबर है इसमें 1,02,000 का। फिर है इसमें अदर चार्जेस, अदर चार्जेस कितना है, 12,500। फिर इसमें है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कितने हैं, 25,500। फिर है मटेरियल इन हैंड,
by material in hand. यहाँ पे आएगा 31 दिसंबर 2018 अकाउंट क्लोजिंग डेट, और यह है 4400 का। इतना हो गया हमारे पास। अब बोला है कि इस मशीन के बारे में बोला था कि 36,000 की थी और मशीन 6 महीने तक साइट पर रही है। टू मशीन 36,000 की थी, ठीक है, और 6 महीने तक रही, कोई बात नहीं, 6 महीने बाद तो बचेगी। अब इसमें ये नहीं बोला कौन सी डेट को आई, किस दिन की है, तो लेकिन जो भी है 6 महीने के गैप के साथ डैप लगेगा। तो मशीन, अरे मटेरियल लिख रहा हूँ, बाय मशीन एट साइट। देखो इसको दो तरीके हैं करने के, तो डैप दिखा दो यहाँ पे टोटल कितना यूज़ हुआ डैप, या फिर इस तरीके से दिखा दो कि मशीन आई कितने की और बची कितने की, तो डिफरेंस वही चलेगा। क्योंकि हमने इस शुरू से यही काम सिखाया आपको कि जितने का आपको प्लांट मशीन आती है और जो बचती है उसे यहाँ दिखा दो। बाकी दूसरा तरीका होता है कि सिर्फ उसका डैप दिखा दो यहाँ पे, तो जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। मैं तो यही करूँगा जो बेसिक सा तरीका जो बच्चों को समझाया आपने शुरू से एंड तक। तो कॉस्ट थी मशीन की कितनी, 36,000 माइनस डैप। अब डैप तो मुझे नीचे करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ तक जा सकता है नीचे तक। अभी तो क्वेश्चन के लिए स्टैंड ऊंचा करना पड़ेगा, तो स्टैंड ऊंचा कर दिया मैंने, जैसे आपको पूरा फ्रेम दिखाई दे, लेकिन हो सकता है छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा, तो आवाज़ भी ध्यान देना। तो मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा वर्किंग नोट फर्स्ट डेप्रिसिएशन के बारे में। 36,000 की चीज़ आई थी तो 36,000, ठीक है, स्क्रैप था 6 साल के बाद 6,000 का, और 6 साल उसकी लाइफ थी। इस तरीके से 1 साल की डेप आ जाएगी इसमें, और हमने 6 महीने यूज़ की है, तो पहले तो इसे सॉल्व कर लो। 36,000 में 6 गए तो 30,000, 30,000 को 6 से डिवाइड किया तो 5,000। 1 साल की डेप आ गई, 6 महीने निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6/12 करना पड़ेगा, तो 2,500 रुपये की डेप आएगी आपकी। सॉल्व कर लेते हैं 2,500, थोड़ा टुकड़ों में सॉल्व कर दिया ना पहले। इसका तो फॉर्मूला ये होता है, जब हमारे स्क्रैप वैल्यू दी होती है तो टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप अपॉन वर्किंग लाइफ। 1 साल की डेप आ गई और 6 महीने का निकालना है, 6/12 कर दिया 2,500, तो 2,500 माइनस करो यहाँ आ जाएगा 3,000 माइनस करते तो 33,000 आता, तो फिलहाल तुम्हारा 33,500 आ जाएगा। ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि सुपरवाइज़र को सैलरी 2100 मिलती है, लेकिन उसने समय आधा दिया है और 9 महीने का काम चल रहा है। तो यहाँ लिखो टू सुपरवाइज़र, टू सुपरवाइज़र कौन गया, कितना था सुपरवाइज़र की कितनी थी, 2100। सुपरवाइजर सैलरी यही सॉल्व कर लेता हूँ, 2100 की सैलरी थी, ठीक है, और इसने कहा कि भाई 9/12, 1 साल की सैलरी थी, 9 महीने की सैलरी की कितनी बनेगी, (2/1/2) कर दो क्योंकि आधा समय दिया है। देख पा रहे नहीं देख पा रहे भाई साहब, ज्यादा ऊंचा कर दिया मैंने, लेकिन पूरा फ्रेम यहीं पे ही आ पाता, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। 2,100 × 9/12 × 1/2 सॉल्व करते हैं क्या मिलता है हाथ में आंसर। तो देख रहे 2,100 × 9/12 × 1/2 8,100, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको 8,100 तक का, ठीक है। अब हमने यहाँ तक का हिसाब किताब कर लिया, आगे पढ़ते हैं तो क्या लिखता है हमारे पास दिखाई देता है। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में 4,00,000 दे रखा है, वर्क कंप्लीटेड हुआ इसमें कितना, 2/3, और सर्टिफाइड है 2,00,000, ठीक है, तो 2,00,000 सर्टिफाइड है, हम यहाँ पर लिख देते हैं बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, वर्क सर्टिफाइड 2,00,000,
अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, वर्क अनसर्टिफाइड कैसे आएगा? इसी के लिए फॉर्मूला पीछे दिखाया था, तो पीछे ले चलते हैं, उस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेते हैं या आपको नोट डाउन करवा देते हैं, ठीक है? तो अभी मैं वीडियो पॉज नहीं कर रहा हूँ, आप चाहो तो पॉज करके इतना नोट डाउन कर लो, फिर आगे पीछे चलना उधर साइड में, ठीक है? तो मैं आपको दिखाता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपने नोट डाउन कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। फॉर्मूला दिखाता हूँ पहले, उनको लिख लेना फॉर्मूले को, जब क्वेश्चन पढ़ाया था तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, अब देखो ये फॉर्मूले हैं, वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड के लिए, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड। थोड़ा सा स्टैंड नीचे कर दूँ, अब क्लियर दिख रहा होगा। तो इन दोनों फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेना, वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ कंप्लीटेड वर्क कंप्लीटेड और वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, और फिर कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड वर्क अपॉन वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड इनटू वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है? और कुछ इस तरीके से मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, तो इसे भी समझा देता हूँ। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ये लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो दे रखा है उसका 2/3 करूँगा, वहाँ भी 2/3 लगभग दे रखा है। वर्क सर्टिफाइड भी मैं 2 लाख दे रखा वहाँ पे, तो ये आ गया। फिर इसके बाद हमारा थर्ड लाइन में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड का। तो वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड के लिए हम लिखते हैं, यहाँ तो लिखा नहीं, हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड माइनस वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो माइनस करके ये आ जाएगी अमाउंट। फिर निकालेंगे कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड वर्क एज पर कॉन्ट्रैक्ट, कंप्लीटेड वर्क की कॉस्ट निकालने के लिए हम डेबिट साइड में जो खर्चे सब जोड़ेंगे प्रॉफिट को छोड़ के, है ना, जो भी खर्चे हुए उसमें से हम क्रेडिट साइड में से मटेरियल एट साइट या फिर मशीन एट साइट लिखा है तो वो माइनस कर देंगे, और फिर हमारे पास आ जाएगा कुछ ना कुछ अमाउंट। फिर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कैसे, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड वर्क मतलब जो 1 लाख 80 हज़ार वाली कॉस्ट है ऊपर लिखेंगे, और फिर वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड वाला जो था 267 वाली अमाउंट यहाँ नीचे लिखेंगे, इंटू अनसर्टिफाइड की जो मैंने रखी ना वैल्यू उसे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट आ जाएगा, उस कॉस्ट को यहाँ लिख देंगे। तो इस तरीके काम करने वाला हूँ, तो मैं पहले काम कर लेता हूँ फिर आपको दोबारा समझाता हूँ, है ना, क्योंकि डबल डबल दिक्कत हो जाएगी, कहाँ कहाँ से अमाउंट आई आप क्लियर नहीं कर पाओगे, तो ये काम करके बताता हूँ मैं। तो अपने क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, और मैंने यहाँ पे यहाँ तक कितना बता दिया था ये भी बता दिया, और ये वाला चीज मैंने करके दिखा दिया यहाँ पे आपको, लेकिन समझाया नहीं अभी तक, समझाता हूँ कैसे कैसे किया है मैंने, क्योंकि इसमें समझाने में लिखने में बहुत टाइम ले जाता, वीडियो बड़ी होती फिर कोई नहीं देखता इस वीडियो को, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया फिर आपको समझाता हूँ। तो जैसे मैंने एग्जांपल समझा वैसे वैसे किया है मैंने यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड निकालना है हमें, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड जिसके लिए मैंने पहले लिखा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो कि 4 लाख दे रखा था, वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड निकालना होता है, तो कंप्लीटेड वर्क के लिए 2/3 दे रखा था ना कि 2/3 कंप्लीट हो गया, तो 2/3 4 लाख का निकाला, 266667 यानी 266667 रुपये आ गया, आगे तक 6 आ रहा था पॉइंट के बाद, तो मैं 67 कर लिया। वर्क वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड हमें दे रखा है 2 लाख रुपये, है ना, वो लिख दिया हमने जो कि गिवन था। वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कैसे निकाला, अभी वैल्यू की बात चल रही है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड माइनस वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वर्क कंप्लीटेड वर्क सर्टिफाइड आपस में माइनस करते हैं तो आंसर आता है वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, ये वैल्यू निकल का ही है। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड वर्क एज पर कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड वर्क कैसे निकालेंगे, हमने डेबिट साइड के जितने खर्चे थे प्लस किए, क्रेडिट साइड में एक मटेरियल इन हैंड था, मटेरियल एट मशीन एट साइड था, वो दोनों माइनस कर दिया, आंसर आता है 1,88,200। तो हमने सारे खर्चे जो लिखे हैं वो सब मैंने प्लस किए, ये तरह की दो चीज़ हमने माइनस कर दी, ये आ गया आंसर। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड वर्क वैल्यू ऑफ कंप्लीटेड वर्क मतलब कंप्लीटेड कंप्लीटेड से डिवाइड अनसर्टिफाइड से मल्टीप्लाई, तो कॉस्ट को वैल्यू से डिवाइड किया, वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड से मल्टीप्लाई किया, तो जो कॉस्ट आई थी वो लिखा, वैल्यू ऑफ कंप्लीट वर्क यहाँ से लिखा, और वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड ने मल्टीप्लाई किया वो भी यहाँ से आया, फिर आंसर आता है
47,050.176, तो ये 50 पैसे से कम है तो छोड़ दिया हमने, राउंड ऑफ करके क्या है 47050, इसको यहाँ लिखेंगे 47050, है ना। अब 2,47,050 रुपये आ गया हमारे पास, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसे वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मैं आगे काम करने जा रहा हूँ, इसका आंसर निकालूंगा, टोटल प्रॉफिट आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद तो जो वर्क नोट मैं यहीं पे कर दूंगा, तो इससे काम मेरा यहीं चल जाएगा। तो मैं करता हूँ टोटल, तब तक आप नोट डाउन कर लो। तो इसे जोड़ूंगा तो कितना आंसर आएगा देखते हैं, 44,00+33,500+24,750, तो ये आएगा 28,49,50, ठीक है। इसमें से इधर पहले से इधर पे लिखता हूँ 28,49,50, इसमें से माइनस करते हैं, तो 42,000 माइनस करेंगे, फिर करेंगे 102,000 हो गया, 12,500 माइनस करेंगे, 25,500 माइनस करेंगे, 36,000 माइनस करेंगे, 81,100 माइनस करेंगे, ठीक। तो ये आ गया 58,850, ठीक है। इसको लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, और यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 58,850। यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, इसका फॉर्मूला आपको बताइए, टोटल प्रॉफिट होता है इनटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड इनटू, मैं चेक करना पड़ेगा 2/3 होगा क्या होगा, ठीक है। तो इसका वर्किंग नोट भी यहीं कर लेते हैं, नंबर 3 डाल के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमें रखा था 4,00,000, और नंबर 2 वर्क सर्टिफाइड वो है 2,00,000। तो फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट 4,00,000 का आधा कर दो, 4,00,000 का 1/4 कर दो, वैसे तो यूजली ओरली आप कर सकते हो, ये 2,00,000 हो गया कि 1,00,000 हो गया, तो आपका ये 2,00,000 1,00,000 से तो ज़्यादा है, इसके बराबर है, तो 2/3, अगर वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/2 के बराबर या ज़्यादा होने पे 2/3 लिखते हैं, तो यहाँ 2/3 कर देंगे। अब सॉल्व करते हैं, 58,850 तो टोटल प्रॉफिट है, कैश रिसीव हमें देखना पड़ेगा कितना दे रखा था, क्वेश्चन देखते हैं। आपके इशू सर्टिफाइड है, कैसे रिसीव हुआ वर्क सर्टिफाइड 80%, हाँ तो 80% रखा है हमारे पास कि जो भी हमारा वर्क सर्टिफाइड होगा उसका 80% होगा, तो हम चाहते थे यहाँ 80% का यूज़ भी कर सकते हैं। अब तो हमने 80% निकालना पड़ेगा, 2,00,000 का 80% कितना होता है, चलो 1,60,000 होता है, नीचे 2,00,000 इंटू 2/3 सॉल्व करते हैं, 58,850 इंटू 1,60 डिवाइड बाय 2,00,000 इंटू 2/3, तो ये आ रहा है 31,386.66। देखते हैं कितना दे रखा आंसर, 31,386.67 कर रखा है, कोई बात नहीं, 6 6 लाता था 7 कर लिया, तो हम भी ऐसे पॉइंट भी देते हैं, 31,386.67, अदरवाइज 387 भी ले सकते थे,
अब जो बचेगा उसे लिखेंगे टू वर्क इन प्रोग्रेस, प्रॉफिट कैप्ड इन रिजर्व। ठीक है, तो 58,850, 58,850 माइनस ही कर दो। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना बेटा, कुछ काम की चीज़ हो सकती है आपके लिए। इकतीस 386.67, 27,463.33। इसका शायद आंसर दे रखा है, नहीं दे रखा इसका आंसर, लेकिन कोई बात नहीं, माइनस करो वही आंसर आएगा। ठीक है, देख लो माइनस हमने सही किया है, तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। आप इसे नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन सेम टू सेम इसके जैसा है, तो अगर कर सकते हो तो कर लेना, अदरवाइज मैं करा दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, 42 इसके जैसा ही है, सेम टू सेम, इतना ही बड़ा काम होगा इसमें भी, क्योंकि वर्क अनसर्टिफाइड इसी तरह से निकालते हैं। फिर इसके आगे एक क्वेश्चन किसी ने, भाई ने पूछा था कि 43 भी करा दो, तो कोशिश करेंगे कराने की, अदरवाइज कुछ है नहीं खास उसमें, इंपॉर्टेंट नहीं है तो है हमारे पास, बाकी उन भाई की भी काम की बात है, जब वही उनकी भी क्वेरी है तो कर देते पूरा उनको, है ना, समझ तो गए हो भाई, 43 जिन्होंने पूछा है। ओके, बाय बाय, डिस्क्रिप्शन चेक करो, हेल्प करो सबकी।